हूँ आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोस्तों, आरोग्य ब्रह्मांड कार्यक्रम में हम रोज एक नई बीमारी के लिए आप विषय लेकर आते हैं ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें और अपने जीवन में नई उमंग ला सकें। आज हम बात करेंगे सिज़ोफ्रेनिया के बारे में, जो लगभग हर साल 10 लाख से अधिक लोग इसकी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। 100 में से हर एक इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी सिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो जाता है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आयुर्वेदाचार्य स्वामी ब्रह्मांडपुरी जी महाराज से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आप भी किसी बीमारी का इलाज पाना चाहते हैं और आपको उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है तो परेशान ना हो, चिंतित ना हो, सिर्फ फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको स्वामी जी की सलाह, स्वामी जी का मार्गदर्शन जरूर प्राप्त होगा। जी। स्वामी जी, जैसा कि आज हमारा विषय है सिज़ोफ्रेनिया, तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि सिज़ोफ्रेनिया आखिर बीमारी है क्या। देखिए, सिज़ोफ्रेनिया मानसिक रोग में गिना जाता है और भारत में लगभग 3.5% लोगों को होता है ये। ग्लोबल सर्वे के हिसाब से लगभग 10 लाख से 12 लाख लोगों को इससे मृत्यु होती है और खासतौर से सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट सुसाइड करता है, आकस्मिक मृत्यु होती है उसकी, अकाल मृत्यु होती है। जी। अब जैसे सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट पूर्ण रूप से इरिटेट होगा, ब्रेन लार्वा वीक हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए उसके साथ कितना भी मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं, उसको आप कितना भी हार्डली अटैचमेंट रखना चाह रहे हैं, आप उसको कितना ही रिस्पेक्ट क्यों ना दे रहे हो, बट दैट उसके दिमाग में फीलिंग हो चुकी है कि ये मेरा शत्रु है। जी। एक माइंडसेट हो चुका है उसका, माइंडसेट हो गया कि नहीं 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 ये मेरा शत्रु है और ये मेरा कभी भी विनाश कर सकता है। अब उसके ब्रेन में वो चीज है, प्रैक्टिकल तो ऐसा है नहीं। अब जब वो सामने आपके आएगा तो उसे मित्रवत दिखता है, जब दिमाग की सुनता है तो उसको शत्रुवत दिखता है। तो यानी ब्रेन लार्वा होता है और मेडिकली एलोपैथ में या अंग्रेजी मेडिसिन जितनी भी है या होमियो में किसी में इसका इलाज नहीं है। जी। आयुर्वेद में इसका इलाज है, लेकिन इसको ट्रीट करने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं प्रियंका जी, कि काउंसिलिंग सबसे बड़ा पार्ट है। बिल्कुल। दवाई से ज्यादा काउंसलिंग एक पार्ट है, बिलीफ सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं। मान लीजिए उसको ठीक करना है तो सबसे पहला पार्ट है कि उसके इच्छा के विरुद्ध कोई काम ना हो। जैसे मान लीजिए उसको अगर 1 बजे लग गया कि मुझे अभी 1 बजे खाना चाहिए, तो आपको देना ही पड़ेगा। और आप उससे जितने ही निकट जाकर कितना भी अच्छा कहोगे, उसको हमेशा बुराई लगेगी। सिज़ोफ्रेनिया ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, उसमें एक जिद पना भी आ जाता है। हाँ, इरिटेशन आ जाता इरिटेशन। है। स्वामी जी, अगर हम बात करें कि किन किन लोगों को ये बीमारी हो सकती है या कौन कौन लोग इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। देखिए, किन किन लोगों की बीमारियों का अगर शिकार की बात करें तो इसमें कुछ चीजें ब्लड से रिलेटेड है, सिज़ोफ्रेनिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया और थैलेसीमिया। ओके। थैलेसीमिया में बोन मैरो भी एक्स होते हैं, ब्लड कम बनता है, वो भी असाध्य रोग है। जिस तरीके से किसी बच्चे को माँ के गर्भ में आने का योग बन गया और माँ बाप दोनों फ्रस्ट्रेशन में है। जी। या मदर खाली ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, साथ में फीवर आ गया, तो उसके बाद उसके अष्टनायु का विकास नहीं होगा। एक लिमिट के बाद उसकी मानसिक शक्ति धीरे धीरे छीड़ होने लगेगी, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, पेशेंस तब भी हो जाएगा। जी। और सबसे ज्यादा आज मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, कि सिज़ोफ्रेनिया के बीमारी के कारण 80% पेरेंट्स होते हैं। जी, हम इस पे बात करेंगे स्वामी जी, लेकिन उससे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैं अनीता बोल रही हूँ पठानकोट से। जी, बताइए अपनी समस्या बताइए। मेरे थायराइड ग्लैंड में जी मल्टी नोड्यूल्स हो गए हैं। जी, कब से ये आपको समस्या? ये अभी 2 महीने ऑलमोस्ट हो गया है। जी। उसमें एक राइट में एक बड़ा नोड्यूल है और 2-3 छोटे हैं और लेफ्ट में भी एक छोटा है। जी जी, बिल्कुल। जो डिजीज बता रहे हैं इसके लिए हम खाली इनको फोन पर कुछ चीजें नहीं बता सकते, इसके लिए इनको हमसे प्रत्यक्ष मिलना पड़ेगा। जी। क्योंकि जो नोड्यूल्स हैं उसके अलग अलग रीजंस हैं और मैं चैनल पे नहीं बता सकता हूँ, इसलिए उनको एक बार आप हमसे मिलना पड़ेगा, ठीक हो जाएंगे, मेरा वादा है। जी।
स्वामी जी, अपने विषय पर आते हैं। हम बात कर रहे थे सिज़ोफ्रेनिया और आपने बताया कि उसका मुख्य कारण सबसे बड़ा पेरेंट्स होते हैं। बिल्कुल, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? पूर्ण रूप से सिज़ोफ्रेनिया मैं कहता नहीं, मैं प्रैक्टिकली बातें करता हूँ जी। बिल्कुल, क्योंकि मेरे सो जहाँ भी चलते मैं किसी को कभी प्रभावित नहीं करता। एक इंसान जब जरूरत से ज्यादा ऊंचाई उड़ान करता है तो परिवार से भाग जाता है जी, और वो कमाता किसके लिए? फैमिली के लिए। और एक प्रक्रियाओं के दौरान यही होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के होप्स हीरा मोती पन्ना रुपए पैसे से नहीं है, पत्नी की होप उसके हीरा पन्ना मोती से नहीं है। फैमिली में अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट वुमेन सक्सेसफुली लाइफ से होता है। अब यहाँ ब्रांडिंग हो जाती है, जैसे एक बच्चा है गलती से खेलते खेलते उसने एक कप फोड़ दिया, नेक्स्ट वीक में फिर चाय उठाया और एक और कप फोड़ गया, वो जानबूझकर नहीं करा, गिर गया, लेकिन उसके नाम से आपकी ब्रांडिंग हो गई है। तू तो चाय ही फोड़ता है, कभी अच्छा भी करेगा, तेरे में तो ऐसा है, लेकिन उसका लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट है, उसने ब्रेन में सेट कर लिया कि यार मैं तो निगेटिव हूँ, मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता जी। अब धीरे 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 आप उसके बाप हैं, आप उसके भाई हैं, आप उसकी माँ हैं, जो भी है, लेकिन अब धीरे धीरे आपकी ब्रांडिंग उसके लिए बैड है, तो उसकी ब्रांडिंग आपसे बड़ी हो गई, इसलिए वो धीरे धीरे नेग्लेक्ट होते होते चला जाएगा। और हमारे ब्रेन का जो नेचर है, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है, और जब हम निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव एनर्जी जनरेट करता है। अगर आप किसी भी विषय पे कंटिन्यू 10 डेज से ज्यादा निगेटिव कर देंगे, आपको अनिद्रा हो जाएगी, नींद नहीं आनी आपको, आपको मानसिक पीड़ा हो जाएगी, आपका बीपी डाउन होने लगेगा, आपका प्रोस्टेट बढ़ जाएगा। रीजन कुछ भी नहीं, रीजन सिर्फ मानसिक पीड़ा। इसलिए पेरेंट्स को सबसे पहले बच्चों को एक ऐसा पीसफुल क्लाइमेट देना चाहिए। उनको समझाने का भी तरीका है कि भी आप ये करोगे, जैसे एक पॉपलोन ने लिखा है, विद्वानों को पढ़ना चाहिए, उसने लिखा है कि ग्रेट फैक्टर एंड फियर ऑफ लॉस टू पॉइंट इज मोस्ट योर सक्सेसफुली लाइफ। एक माँ बच्चे को मीठा खिलाती है, जब फुंसी आती बोलते मत खा, फुंसी आ जाएंगे जी। और अगर उसे ताकत कराने तो यदि बादाम खाएगा तभी तो ताकत आएगा, तो वो क्लाइमेट वैसा जनरेट होना चाहिए। तो मेरा मूलतः हर पेरेंट्स से, हर माँ बाप से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि अपने बच्चों को आप समझिए, अपनी पत्नी को समझिए, अपने बच्चे की इच्छाओं का मर्दन ना करिए, क्योंकि उनकी इच्छाओं का मर्दन ही उन्हें सिज़ोफ्रेनिया की तरफ ले जाएगा, वो आपसे निगेटिव हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपना बुढ़ापा खराब कर लेंगे, क्योंकि वो बच्चा इरिटेट रहेगा। मान लीजिए इरिटेशन में जा रहा है, बाइक चला रहा है, पता लगा कहीं ठुक गया, आप मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं, जा रहे हैं, पता लगा कहीं कुछ हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पांचों उंगलियां पांच तरफ बिखर जाएंगे, तो एट लास्ट आदमी क्या करेगा? सुसाइड। इसलिए सिज़ोफ्रेनिया का जो मूल है निदान, वो काउंसिलिंग है। आप कई सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को देखे जो कहीं ना सुन रहे हो, उनको उनके हिसाब से एक माहौल में रख दो, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जी। आइए कॉलर से बात करते हैं। स्वामी जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। जी गंगा सागर नाम है मेरा जी। कहाँ से बोल रहे हैं गंगा सागर जी आप? हम लम्बुआ सुल्तानपुर से बात कर रहे हैं जी। बताइए अपनी समस्या, बताइए, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ जी हम सुन रहे हैं, आप अपनी समस्या बताइए कि क्या जानना चाहते हैं आप स्वामी जी से। जी मैम, ये पेट की जो है विकार के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको पेट में? पेट में हमेशा जो है कब्ज रहती है जी। देखिए ऐसा, आप गंगा सागर की आपकी आवाज भी बहुत चूस बता रही थी, साइको का एक पार्ट है जी, कि जब आप हेलो बोलते हैं और नमस्ते करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री सामने आ जाती है, और अगर पढ़ने वाला हो तो इतना समझ में आ रहा है कि आप क्या अपेक्षा रखते हैं जी। सामने वाले को क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। तो भी इनकी आवाज में एक कंपन थी जी, ये बात काट करते करते वाइब्रेट हो रहे थे, तो इनको LFT और KFT चेक कर लेना चाहिए। आप खड़े होकर के पानी मत पिया करिए जरा सा, और मेंटली एक ही विषय पर ज्यादा सोचा मत करिए गंगा सागर जी। बाकी आप हमारे यहाँ से दवा मंगा लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम इतना बड़ा इश्यू नहीं है, डाइजेशन के लिए 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा जी। तो गंगा सागर जी आपने सुना होगा स्वामी जी ने आपको क्या क्या समस्याओं के समाधान बताए हैं, तो आप उनको अपनाइए, निश्चित ही आपकी जो भी बीमारी है, कब्ज की जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी। स्वामी जी बढ़ते हैं विषय की ओर, अगर हम सिज़ोफ्रेनिया के लक्षणों की बात करें तो क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं एक सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट? देखिये सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण समझ पाना ही बड़ा मुश्किल है, तभी मैंने आपसे पूछा।
क्योंकि ये कहे क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणिक क्षणिक, क्योंकि ये मन की बात मानने वाला बीमारी है। मन तो चाहेगा कि भाई इधर भी बैठो उधर भी बैठो उधर भी बैठो, बुद्धि की बात नहीं मान रहा है ना, ये मन हो गया विचलित हो गया। ये जिधर देखेगा वही पूर्व दिशा, जैसे इसके समझ में आ गया मन के कि हाँ भाई चलिए मैं उसने ही आरोप लगाना है उसने ही सजा देनी है, पूछना भी नहीं रीजन क्या है। तो ये संकेत तो बस ये है कि जैसे थोड़ा थोड़ा सा फिर भी मेरे दर्शकों से निवेदन है आप देखिए कि थोड़ा थोड़ा सा वो एक काम करें कि जब परिवार में उनका बच्चा एकांत में बैठने लगे जी, अपनी मन की बातें आपको शेयर ना करें जी, जब वो अलग थलग रहने लगे, खाने से उसका मन रूठ जाए और अपनों से गैर जो आदमी प्यार से बात करे उसके प्रति अट्रैक्ट होने लगे, आपकी हर बातों को उल्टा रिएक्ट करने लगे, तो उस समय तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब मुझे इसे समझने की जरूरत है। और अगर ऐसी स्थिति में समझ सकते हैं तो उसको आप काफी हद तक बिना दवा के कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो इसमें क्या होगा, आपके ब्रेन में 150 बीटा सेल्स हैं, 6 सीक्वेंसेज हैं, हम आप भी जैसे वन साइडेड सोचते हैं तो हैंग हो जाएगा, जैसे निगेटिव एनर्जी जनरेट होने लगेगी, निगेटिव एनर्जी जनरेट होती फेस की लो खत्म, चेहरे पे ब्लैकनेस अपने आप आ गई, कितना भी सुंदर गोरा हो लेकिन अगर मेंटली डिप्रेस्ड है तो चेहरे पे ब्लैकनेस स्वाभाविक है, चेहरे पे झुर्रियां आने लगेंगी। तो इसलिए पहला लक्षण तो यह है, और ऐसे पेशेंट को खास तौर से अकेले में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है स्वामी जी, बात करेंगे इस पे और भी, पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। नाम बताया, मैंने 4-5 दिन पहले ऑर्डर किया था पैन एक्टिव फास्ट का। जी 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 हाँ बताइए। हेलो, लगता है स्वामी जी कॉल कनेक्शन टूट गया है हमारा। स्वामी जी अगर हम इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहें, जैसे कि सीजोफोर्निया का पेशेंट हमारे घर में है और हम जानना चाहते हैं कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम किस तरीके से जान सकते हैं, उन पेरेंट्स को कुछ बताइए। देखिए सीजोफोर्निया का पेशेंट आपकी समझ में बहुत मुश्किल से आएगा जी, और सीजोफोर्निया पेशेंट को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए एक ही काम करिए कि सीजोफोर्निया का पेशेंट खास तरीके से सेंटिमेंटल हो जाता है, भावनात्मक हो जाएगा, वो छोटी छोटी चीजों को हार्डली दिल पे ले लेगा, माइंडली ले लेगा, उस पर सोचने लगेगा और वो एकांत में रहने लगा। तो कभी भी सिजोफोर्निया के पेशेंट अगर आप समझ गए तो उससे कोई भी बात पब्लिकली ना करें आप, कि जैसे 4 लोग बैठे हैं और उसको हम इरिटेट ना करें, उसको जो भी समझाना है अकेले में बैठ के डिस्कस करें, और अगर हम ही उसे नेग्लेक्ट करेंगे तो दुनिया उसे रिस्पेक्ट नहीं दे सकती है। और यही चीज है, मतलब अगर हमारे आधार से जो मेरा अनुभव है आज तक का, सिजोफोर्निया के पेशेंट को लगभग 40 दिन तक एक क्लाइमेट में रख दिया जाए और उसके साथ स्प्राउट है, न्यूट्रिशियस फ्रूट्स है, ब्रेन टॉनिक है, इम्यूनिटी पावर डिफेंसिव मेडिसिंस को दिया जाए और एक अच्छा उसका दैनिक दिनचर्या नियंत्रण कर लेंगे, भाई सुबह बैठा ओंकार की नाद लगाए, ओंकार की नाद से काफ़ी चीज़ें फायदेमंद होती हैं, उसका एक नीड बना दें कि भाई इतने बजे आपको उठना है, इतने बजे खेलना है, इतने बजे ये काम करना है जी, तो उस तरीके से उसको काफी कुछ लाभ मिल जाएगा। अब होता क्या है, पेशेंट बिगड़ते कैसे है? आप एलोपैथ में डॉक्टर के पास ले जा रहे हो, आपको क्या दे रहा है, स्लीपिंग डोज दे दे रहा है, ठीक है, और कोई दवा नहीं उसके पास, उसने स्लीपिंग डोज दे दिया। स्लीपिंग डोज होने के बाद अगर आप नींद में सोए हो, गहरी नींद में, और अचानक कोई आवाज दे जाए प्रियंका उठी है, तो शायद आपकी पूरी बॉडी शिवरिंग करने लगेगी और वो आपके लिए नुकसानदेह है, हो सकता है उस समय आपकी शरीर की सुप्त अवस्था है, क्या सोच रहे हैं। तो इस तरीके से उस पेशेंट को भी एक बैग कभी अटैक ना किया जाए और एक बैग किसी चीज से नेगलेक्ट ना किया जी। आइए कॉलर से बात करते हैं स्वामी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ सर जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जावेद है जी, बताइए अपनी समस्या बताइए। सर दिमाग के लिए पूछा था, वो प्रोडक्ट है ना आपके पास? हाँ जी बताइए, क्या तकलीफ है आपको? वो दिमाग के लिए सर, दिमाग की, दिमाग कमजोर है बच्चे का, पढ़ाई में दिमाग कमजोर है जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? याद है, राजस्थान से बोल रहा हूँ। देखिए आप एक काम करिए, जब तक आप हमारा प्रोडक्ट नहीं मंगवा पा रहे हैं तब तक अंजीर, अंजीर को 4 अंजीर लीजिए और दूध में भिगा कर करके दोनों समय आप लेते रहिए, और तेल सरसों का तेल सिर्फ तलवे में रगड़ना है,
लेकिन उसको जब रगड़ना हो तो हथेली नहीं, तांबे के किसी कटोरी से रगड़ना, तो उसमें ब्लैकनेस आ जाएगी और उससे आपको काफी आराम मिल जाएगा। जब तक आप हमारी दवा मंगा लीजिए, 5-6 महीने लेंगे तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। दवा कितने की है सर? वो आप बाद में फोन कर लेना, बच्चे बता देंगे। ऐसे मेरे यहाँ दवाइयाँ सिर्फ 11,000 रुपए की एक बार मेंबरशिप ली जाती है और ठीक होने तक परमानेंट आपको मेडिसिन फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है जी। अब इसमें क्या, एलोपैथ में जैसे कुछ कंपनियां मेमोटेक नाम की मेडिसिन बनाती हैं, तो कोई ब्रेनोलिप बनाता है, तो कोई मेंटेट बनाता है, बट उसका, मेरी बात थोड़ी अटपटी लगी, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन किसी भी चूर्ण के साथ जब बाइंडिंग एजेंट अटैच होता है तो उसका रिजल्ट शून्य हो जाता है जी। इसलिए आयुर्वेद में अगर शुद्ध रिजल्ट चाहिए तो चूर्ण और क्वाथ का ही मिल सकता है जी। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, दर्शकों अगर आप किसी बीमारी का इलाज पाना चाहते हैं और आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उसका इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज संभव है। तो निश्चित ही आप हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको स्वामी जी की सलाह, स्वामी जी का मार्गदर्शन जरूर प्राप्त होगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सिज़ोफ्रेनिया पर और भी बातें करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी ISO सर्टिफाइड को चाहिए संपूर्ण भारत में डिस्ट्रीब्यूटर। संपर्क करें 9923020287 9821201498। अक्षत फूड प्रोडक्ट को चाहिए संपूर्ण भारत में फ्रेंचाइजी व डिस्ट्रीब्यूटर। संपर्क करें 9923020287 9821201498। हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया, हींग और गरम मसाला, अक्षत मसाले शुद्धता की पहचान, स्वाद और सेहत में सबसे आगे। अक्षत मसालों की होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें, हमारा नंबर है 9932020287 8860867515। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आरोग्य ब्रह्मांड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। हम बात कर रहे थे सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी पर। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आयु का भी इसमें कोई योगदान होता है, कि हम एज को लेके भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो सिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो सकता है, एक एज लिमिट होती होगी इसमें? देखिए, मूलतः एज फैक्ट को देखा जा जाता है, क्योंकि आयु जी की अगर बात करें तो आयुर्वेद का प्रथम सूत्र ही है कि आयुर्वला यशो वर्चा प्रजापाशूनि वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम नो देही त्वम देही वनस्पति। बच्चा मतलब आप 7 साल के बच्चे को सिज़ोफ्रेनिया में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते कि इसे हो सकता है। बच्चे को जब आप कोई काम करवाओगे तो उसको जैसे उसकी इच्छाओं के विरुद्ध जाना, उसको मेंटली डिप्रेस होना, स्ट्रेस देना, उसका बचपन उसकी अपेक्षाओं के विरोध में जाना, जैसे एक बच्चा है दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं, उस बच्चे को अच्छा खान पान मिल रहा है, 8 साल का बच्चा है और छोटा बच्चा है हमारा, हम उसको नहीं कर पाए, यानी वो स्ट्रेस में है। अगर ये कंटिन्यूटी में रहेगा, सही समय पर नहीं समझाया तो भी सिज़ोफ्रेनिया में हो जाता है। हम बचपन पे भी स्वामी जी बात करेंगे, उससे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। राजेश जी। राजेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से जी। बताइए अपनी समस्या, बताइए स्वामी जी को। वो डार्क सर्कल के बारे में कुछ पूछना था, जब डार्क सर्कल हो जाते हैं जी, आंखों के नीचे काले घेरे। यस जी। देखिए, डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल हो जाता है, उसके 2-3 रीजन होते हैं कि ये सेल्फ क्रिएटेड, मेंटली डिप्रेशन पे ज्यादा डिपेंड होता है जी। अनिद्रा होने से भी हो जाता है, ज्यादा नींद नहीं आने से भी हो जाता है, ज्यादा मल त्याग नहीं होना, बद्ध कोष्ठताओं से भी हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ से दवा मंगाए, कुछ लोगों ने ऐसा किया कि भाई एक्सटर्नल चीज़ें लगाकर थोड़े दिन अच्छा लगता है, लेकिन जब तक इम्यूनिटी पावर डिफिशिएंसी सही नहीं होगी तब तक आपके डार्क सर्कल जा ही नहीं सकते हैं। तब तक के लिए एक सक्सेस फार्मूला मैं उनको बता देता हूँ, आप हर कोई यूज़ कर सकता है। अक्सर मेरे लोग बोलते हैं, स्वामी जी आप फार्मूला मत बताया करो, प्रोडक्ट नहीं बिकता, क्योंकि लोग इसी से ठीक हो जाते तो आगे ऑर्डर नहीं करने।
तो मैं ये चाहता हूँ कि भैया मेरे यहाँ पर कॉल भी तभी करो जब प्रिपेयर हो जाओ कि मुझे प्रोजेक्ट लेना है। निगेटिव अपनी एनर्जी बहुत बेस्ट करो और मेरा भी नहीं। तो देखिए राजेश जी, आप एक काम करिए, 50 ml सरसों के तेल में 30 से 40 लहसुन की बारीक कली उबाल लीजिए और उसको खाली दोनों समय आप मसाज करते रहिए इसको, बाद में गर्म पानी से धो लीजिए 1 घंटे के बाद। 15 दिन बाद आपका ये सर्कल नहीं रहेगा, लेकिन ये परमानेंट क्योरेबल नहीं है क्योंकि ये इंटरनल मेडिसिन के सिवाय परमानेंट नहीं हो सकता। जी स्वामी जी, विषय की ओर बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे बच्चे के बचपन में आई तनावों के बारे में कि अगर उसके बचपन में तनाव आता है तो वो सिज़ोफोर्निया का शिकार हो सकता है। सिज़ोफोर्निया स्ट्रेसफुल मतलब जो है मेंटली डिप्रेशन से, स्ट्रेस से या इच्छाओं के विरुद्ध ना होने से, जैसे बच्चे का बचपन मतलब वो लाइफ का मेकिंग है ना, जैसे मदर इज लाइफ फिलर, जी जी जी, फादर इज सपोर्टर, तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि दोनों ने बच्चे को किस कंडीशन में पाला है। अच्छा स्वामी जी, बचपन की बात कर रहे हैं तो बचपन में अगर सर में कोई चोट लग जाती है तो क्या ये भी एक कारण है? देखिए बचपन में सर में अगर चोट लग जाती है, सर लगने के बाद जो हमारे क्लॉट तो बनना ही है एक एस्पेक्ट के बाद, अगर वो क्लॉट बड़ा हो गया तो एपिलेप्सी भी हो सकती है। बचपन में सर में चोट लगी आपको पता नहीं है, क्लॉट हो गया तो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया तो मिर्गी कहेंगे, एपिलेप्सी, फिट्स भी हो सकती है। और अगर उसने सीक्वेंस को ब्लॉकेज कर दिया है तो स्मरण शक्ति भी क्षीण हो सकती है, डिपेंड करता है कि क्लॉट का ट्यूमर जनरेट हुआ है और कितना बड़ा हुआ है। बाकी इसका सीधा सीधा रिलेशन दो चीजों से है। सिज़ोफोर्निया का रिलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम से है, इम्यूनिटी पावर डिफिशिएंसी से है और ब्रेन से है। ब्रेन टॉनिक अगर सही है, ब्रेन लार्वा सही बनेगा। ब्रेन लार्वा एक ऐसी चीज है कि जैसे पॉजिटिव एनर्जी से ही जनरेट होता है। एक व्यक्ति को आप देखिए कि डूब रहा है, पार हो जाएगा, पार हो जाता है। तो बचपन की जहां तक बातें हैं कि माँ और बाप दोनों पे डिपेंड होता है। जैसे एक कुम्हार ने पहले चिलम बनाया, गांजा पीते ना बाबा लोग, उसने आकार दिया एक चिलम का, फिर उसका दिमाग बदल गया, उसने मटके का आकार दे दिया। मिट्टी ने पूछा कि भाई आप तो पहले चिलम बना रहे थे, अब इसे मटका कैसे बना दिया? बोले मैं चिलम इसलिए नहीं बनाया कि इसमें बैठने वाले को तो जलाता और खुद भी जलता, और मटका इसलिए बना लिया कि इसमें जल रहेगा तो तू भी शीतल रहेगा और वो पानी पीने वाला भी शीतल हो जाएगा। ये लॉजिक होती है परिवार में, बच्चे का वो मेकिंग है, बच्चे के लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट है, उस समय हम उसको जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा। और मेडिकल साइंस कहता है कि 10 ईयर के बच्चे के ब्रेन का वॉट 7.5 ग्राम हो जाना चाहिए। तो हमारे बच्चे को हम ही केयर कर सकते हैं, अदर पर्सन नहीं केयर कर सकते हैं। इसलिए बचपन अगर स्ट्रेसफुल गया है तो बुढ़ापा तो जाना ही है। आइए कॉलर से बात करते हैं। स्वामी जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आरती सैनी है, रामपाल सैनी जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ जी। बताइए अपनी समस्या बताइए। मेरी समस्या ये है कि मैं कुछ एक साल से देख रहा हूँ जी कि मेरे फेस पे जी जगह जगह जो सॉफ्ट प्लेस होता है वहाँ पे फुंसी निकल आती है जी। ये मेरी समस्या है। और मैं नीम के पत्ते भी खा लिया है, फिंसी। आपकी उम्र क्या है? हेलो, आपकी उम्र? हेलो स्वामी जी, आप इनकी जी रामपाल जी की प्रॉब्लम जान चुके हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जो है वो 60 इयर्स हो गई है जी। तो आप कोई मतलब ड्रिंक वगैरह करते हैं? नहीं नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को अंदर कोई नेगेटिव बात ही नहीं है सर, ना बीड़ी सिगरेट ड्रिंक वगैरह नॉनवेज कुछ। ओके 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 ओके। आपके चेहरे पे कभी कभी पिंपल्स यानी बारीक बारीक फुंसियां आ जाती हैं, वो फुंसियां पक करके खत्म हो जाती हैं, फिर बाद में दूसरी आ जाती हैं, ऐसा। ये रक्त दोष है, ये रक्त दोष है और इसके लिए आप जो है औषधियां मंगा लीजिए। और जब तक औषधियां नहीं मंगा रहे हैं तब तक आप एक काम करिए कि 2 लीटर तांबे के बर्तन में 200-200-200 यानी समान मात्रा में हरा बहरा और आंवला खड़ा डालिए, 4 रुद्राक्ष के दाने डालिए, पानी भर दीजिए उसको और 48 घंटे के बाद उसमें से 1 गिलास पानी पीना और 1 गिलास डाल देना, रोज ऐसे छान करके 31 दिन कर लेना। ये आपके जो है ना मल सूख करके आंतों में चिपक जाने से ये रक्त दोष बन गया है
और बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, और इच्छा हो तो दवाइयां भी मंगवा लीजिएगा। ठीक है जी। मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगी, दर्शकों अगर आप भी किसी बीमारी का इलाज पाना चाहते हैं जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो परेशान नहीं होइए, आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। आप फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आपको स्वामी जी की सलाह जरूर प्राप्त होगी। स्वामी जी, बढ़ते हैं विषय की ओर। हम बात कर रहे थे सिज़ोफ्रेनिया के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ जो सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, क्या उसको भूलने तक की बीमारी हो सकती है? सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट 2 सेकंड के लिए इस हालत में आता है कि वो कहाँ है किसी को कुछ पता ही नहीं होगा, अचानक उसे स्मरण ऐसा करेगा, आवाज भेजें तो ऐसा करेगा। सिज़ोफ्रेनिया का मतलब ये है कि सीज कर देना, आपके ब्रेन को हैंग कर देना बिल्कुल, और जब वो जैसे एक तरीके से रक्त संचार रुका और एक बार स्पीडली आएगा तो इरिटेशन, सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के ब्रेन में विद्युत तरंगे अतिशय बनती हैं, जरूरत से ज्यादा बनती हैं। आरोग्य ब्रह्मांड में इसका क्या इलाज है? देखिए, आरोग्य ब्रह्मांड में इसका 110% इलाज है जी। और उसके बारे में मैं लोगों को बता भी देता हूँ, क्योंकि कोई भी जैसे सांस्कृतिक साहित्यिक आध्यात्मिक और वेदांत की बातें हैं कि अगर आप किसी मंत्र का जप कर रहे हैं तो मंत्र का अर्थ जरूर जान लीजिए जी, और अगर कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो उसके रूल रेगुलेशन, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स और उनके इफेक्ट्स जरूर जान लीजिए, नहीं तो क्षति होती है जी। तो आरोग्य ब्रह्मांड में हम सबसे ज्यादा इसमें महत्व देते हैं ब्राह्मी को। ब्राह्मी 5 प्रकार की होती है। अब ब्राह्मी ब्रेन टॉनिक है, उससे बड़ा कोई टॉनिक नहीं है जी। गोखरू देते हैं, अश्वगंधा देते हैं, मूसली देते हैं, और ढेर सारी चीजों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। स्वामी जी, हमारे पास समय बहुत कम है, शॉर्ट में हम बता देते हैं कि अगर आप किसी बीमारी का इलाज पाना चाहते हैं तो आरोग्य ब्रह्मांड में उसका इलाज संभव है और 110% इलाज संभव है। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दर्शकों को सिज़ोफ्रेनिया के बारे में जानकारी दी और सबको बताया कि क्या क्या इलाज संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं कोई नई बीमारी को लेकर, उसके इलाज को लेकर, और आरोग्य ब्रह्मांड में उसका इलाज किस तरीके से किया जाता है उस बातचीत पर हम चर्चा करेंगे। पर आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, तो मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। ब्रह्मांड आयुर्वेद फार्मेसी ISO सर्टिफाइड को चाहिए संपूर्ण भारत में डिस्ट्रीब्यूटर, संपर्क करें 9923020287 9821201498। अक्षत फूड प्रोडक्ट को चाहिए संपूर्ण भारत में फ्रेंचाइजी व डिस्ट्रीब्यूटर, संपर्क करें 9923020287 9821201498। हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया, हींग और गरम मसाला, अक्षत मसाले शुद्धता की पहचान, स्वाद और सेहत में सबसे आगे। अक्षत मसालों की होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें, हमारा नंबर है 9923020287 8860867515। ब्रह्मांड आयुर्वेदा लेकर आए हैं सभी रोगों के लिए अचूक दवा, सभी साध्य और असाध्य रोगों के लिए पाएं आजीवन दवाओं का लाभ मात्र 11,000 रूपए की लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ। मेंबरशिप लेने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, हमारा नंबर है 9371792968 9158569 74 7057664735 9049 32 4283। मेंबरशिप के लिए आप हमारे बैंक अकाउंट में भी राशि को डिपॉजिट कर सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 7011192373, कोटक महिंद्रा बैंक। हमारा IFSC कोड है KKBK00006 97, शिवाजी नगर, जलगांव, महाराष्ट्र, पिन कोड 4250001। ब्रह्मांड आयुर्वेद फार्मेसी जनसेवा में समर्पित।